बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे दाल पुलाव, क्विक इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल को गला लेंगे। हाफ कप तुअर दाल दो तीन बार हम इसे धो लेंगे। दाल को मैंने तीन बार अच्छे से धो लिया है। इसमें हम डाल देंगे एक कप पानी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे गला लेंगे। तीन सीटी में हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। दाल को हमने गलने के लिए चढ़ा दिया है। चावल भी गा लेंगे। यहाँ पर मैंने डेढ़ कप चावल लिए है। ये हमारे बासमती चावल है। चावलों को हम दो तीन पानी से धो लेंगे। चावलों को हमने तीन पानी से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे भिगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। पुलाव बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल देंगे ऑयल। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च, 3 लौंग 2 इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 हरी मिर्चें, इसमें मैंने चीरे लगा लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालकर हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम अच्छा गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे करते हैं साइड। इसी पैन में हम डाल देंगे 3 कप पानी। 1.5 कप चावल लिए है, उसका डबल हम डाल देंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल लिए है, 3 कप पानी डाल दूंगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक। पानी में एक उबाल आ जाने देते हैं। पानी में एक उबाल आ गया है। इसमें हम भीगे हुए चावलों को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक उबाल आने देंगे। चावलों में एक उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और कवर करके इसे पकने देंगे। इसे पकते 4 से 5 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसे नीचे ऊपर कर लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। कवर करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे पकते हुए। चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो फ्राई की हुई हमने प्याज रखी थी। थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निश के लिए और इसे चावलों में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई की हुई प्याज को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करके एक साइड में रख देंगे। पुलाव हमारा बनकर तैयार है। इसे करते हैं साइड। दाल भी हमारी गलकर तैयार है। दाल अच्छे से गल गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड कर देंगे। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें दाल बघार लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 6 से 7 कटी हुई लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी प्याज, 3 हरी मिर्ची जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। प्याज को अच्छा सा लाइट फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे भी फ्राई कर लेंगे। एक छोटे साइज की टमाटर बारीक कट कर ली है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। दाल में भी हमने नमक डाला था, थोड़ा नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ढककर 2 मिनट पका लेंगे जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे।
2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे दाल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट इसे हम अच्छे से उबल जाने देंगे। दाल हमारी अच्छे से पक गई है, इसे करते हैं साइड और तड़का बना कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तड़का पैन ले लिया है, उसमें डाल देंगे घी। यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च। जीरे को अच्छे से तड़क जाने देते हैं। जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और दाल पर इसका तड़का लगा देंगे। दाल हमारी बनकर के तैयार है। दाल पुलाव हमारा बनकर के तैयार है, इसे हम कर लेंगे अब डिश आउट। दाल पुलाव हमारा बनकर के तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।